बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहराबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उसकी वीडियो आज हम करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का वो पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का वो पार्ट किया जाएगा जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने पहले पार्ट में कहा फाइंड ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो ए हमें गिवन है, ए उसी तरह लिखा जाएगा और साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए के ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, जो ए है उसको उसी तरह लिख देंगे, क्या है 2 -1 3 0, फिर 1 0 4 है और -2 है सेकंड रो। थर्ड रो क्या है, -3 5 है, 2 है और -1 है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए के ट्रांसपोज से, इसी का ट्रांसपोज ले। ट्रांसपोज के अंदर किया क्या जाता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर लिया। तो फर्स्ट रो 2 -1 3 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 1 0 4 -2, उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 5 है, 2 और -1 है, 2 -1 है। तो हमने क्या किया है, ए की रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और मुतलका एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 2 के साथ, 2 2 4 -1 -1 आ गया, 3 3 के साथ +3 3 9 हो गया और 0 0 के साथ +0 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है, 2 1 2 -1 0 के साथ -0 3 4 के साथ 3 4 12 आ गया और 0 -2 के साथ -0 आ गया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई। अब रो फर्स्ट या कॉलम थर्ड है तो मल्टीप्लाई करें, 2 3 -6 माइनस के 6 माइनस का 1 5 के साथ -5 हो गया, 3 किसके साथ 2 के साथ 3 2 6
और 0 माइनस 1 से माइनस 0 हो गया। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 2 के साथ 2 1 दा 2, 0 माइनस 1 के साथ माइनस का 0, 4 3 के साथ 4 3 दा 12 और -2 0 के साथ -0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से, 1 1 दा 1 0 0 के साथ +0, 4 4 के साथ 4 4 दा 16, -2 -2 के साथ -, +2 2 दा 4 हो गया। अब रो सेकंड ही है, कॉलम थर्ड है, 1 -3 से -k 3, फिर 0 5 के साथ +0, 4 2 के साथ 4 2 दा 8 और -2 -1 के साथ -, +2 1 दा 2 हो गया। तो क्या हुआ, सेकंड रो की मल्टीप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों कॉलम्स के साथ, -3 2 के साथ माइनस का 6 हो गया, 5 1 के साथ माइनस के 5 आ गया, 2 3 के साथ 2 3 दा 6, -1 0 के साथ -0 आ गया। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम से, -3 1 से माइनस के 3 5 0 के साथ +0 आ गया, 2 4 के साथ 8 हो गया और -1 -2 से -, +2 1 दा 2। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, -3 -3 से 3 3 दा 9, फिर 5 5 दा 25, उसके बाद 2 2 दा 4 और -1 -1 माइनस और माइनस प्लस के 1 हो गया। तो इस तरह हमारी मल्टीप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो गई। अब करना क्या है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनकी रह गई है, वो करते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज, राइट साइड पे आंसर 4 और 1 5 और 9 14, 0 ने कुछ नहीं करना, प्लस के 14 आगे 2 और 12 14, 0 ने कुछ नहीं करना, ये भी 14 आ गया। तीसरा मेंबर माइनस के 6 और प्लस के 6 कैंसिल, माइनस का 5 रह गया, माइनस के 5 लिख दिए। सेकंड रो प्लस के 2 और प्लस के 12 14, ये भी कितने आ गए, 14 आ गए। 1 प्लस 16 कितना हो गया, 17 और 4 21। इसके बाद माइनस के 3 है, प्लस का 8 और प्लस के 2 प्लस के 10, 3 माइनस कर दो 7 रह गए, ये आ गया। थर्ड रो माइनस के 6 और प्लस के 6 कैंसिल, माइनस का 5 रह गया, माइनस के 5 रह गया। उसके बाद
माइनस का थ्री है प्लस के एट और प्लस के टू प्लस के टेन थ्री माइनस कर देगी सेवन आ गया। नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर और फोर थर्टी एट और वन थर्टी नाइन। थर्टी नाइन लिख दिया और यही हमारा ए और ए ट्रांसपोज का आंसर है। क्या किया, ए गिवन था, ए लिखा, फिर ए का ट्रांसपोज लिखा, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया स्टेप वाइज। मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक बात याद रखनी है, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही आना है, जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही आना है। हमने ये काम किया, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर प्लस वाले अलहदा इकट्ठे कर लेने हैं, माइनस वाले अलहदा, जिसका साइन बड़ा होगा वो साइन लगा के बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर देना। इस तरह हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज आ गया है और यही हमने सॉल्व करना था। जी क्वेश्चन नंबर एट पार्ट टू, टू एक्स माइनस थ्री ए इज इक्वल टू बी। ए और बी की वैल्यूज दे दी गई हैं, ए और बी मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, हमने एक्स फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसके। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं 2x माइनस 3a इज इक्वल टू बी। अब 3a इधर क्या कर रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 2x is equal to b plus 3a। अब b और a की वैल्यूज पुट करते हैं और 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा। टू एक्स इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, थ्री माइनस वन और जीरो, फिर फोर टू वन, फोर टू और वन है, इसके बाद प्लस का क्या लिखा जाएगा, थ्री, और ए की वैल्यू लिखते हैं क्या है, वन माइनस वन, वन माइनस वन और टू है, माइनस टू फोर फाइव, माइनस टू फोर और फाइव। अब क्या करना है, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री उसी तरह माइनस वन जीरो, फोर टू वन प्लस थ्री, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री वन दा थ्री माइनस थ्री वन दा थ्री, थ्री टू दा सिक्स, थ्री टू दा माइनस सिक्स, फिर थ्री फोर दा ट्वेल्व और थ्री फाइव दा फिफ्टीन। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है और टू पे डिवाइड कर देना है। x इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री माइनस वन, माइनस वन और माइनस थ्री हो गया
जीरो प्लस सिक्स, जीरो प्लस सिक्स हो गया। अब सेकंड रो के मेंबर्स को ऐड करते हैं, फोर माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स, फिर टू प्लस ट्वेल्व, टू प्लस ट्वेल्व हो गया। उसके बाद वन प्लस फिफ्टीन, वन प्लस फिफ्टीन और डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू। अब टू पे डिवाइड करेंगे, मेंबर को प्लस माइनस करेंगे, थ्री प्लस थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय टू, सिक्स डिवाइडेड बाय टू, माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस के फोर डिवाइडेड बाय टू, माइनस के फोर डिवाइडेड बाय टू, जीरो प्लस सिक्स, सिक्स डिवाइडेड बाय टू, तो सिक्स डिवाइडेड बाय टू। फिर फोर माइनस सिक्स, माइनस के टू, माइनस के टू डिवाइडेड बाय टू। आगे टू प्लस ट्वेल्व, फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू। उसके बाद वन प्लस फिफ्टीन, सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू, सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू। तो अब x इज इक्वल टू, लिखते हैं जी मेंबर, सिक्स डिवाइडेड बाय टू थ्री आ गया, माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू माइनस टू आ गया, और सिक्स डिवाइडेड बाय टू थ्री आ गया। अब माइनस टू को टू पे डिवाइड करें तो माइनस का वन आ जाता है, फोर्टीन को टू पे डिवाइड करें तो सेवन आ जाता है, और फिर सिक्सटीन को टू पे डिवाइड करें तो हमारे पास एट आ जाता है। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आ गई है थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन, सेवन और एट आ गया, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा पार्ट नंबर 2। इसके अंदर कहता है वो फाइंड ए, तो हमने क्या फाइंड करना है, इसके अंदर ए फाइंड करना है, और गिवन क्या है, ए इंटू थ्री वन फोर टू माइनस माइनस वन टू थ्री वन इज इक्वल टू टू जीरो माइनस वन और फाइव। अब त्रिकाकार देख लें, सबसे पहले तो ये जो एक मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं और फिर लेट करेंगे, ए इंटू थ्री है, वन है, फोर है और टू है, लिख दिया इज इक्वल टू, ये उसी तरह लिखा जाएगा टू जीरो माइनस वन और फाइव। और ये क्या, इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पे माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया इज इक्वल टू माइनस वन टू थ्री और वन। लेंज अब लेट भी कर लेते हैं और ऐड भी कर, पहले ऐड कर ले, ए इंटू
थ्री वन फोर और टू इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दे, टू में से वन माइनस कर दे तो वन रह जाता है, टू माइनस वन वन रह गया, जीरो प्लस टू टू ही आ गया, माइनस वन है प्लस के थ्री है प्लस के टू आ गया, फाइव प्लस वन ये सिक्स आ गया है, लो जी एडिशन हो गए, टू ए इज इक्वल टू, यानी ए है गिवन मैट्रिक्स है और वन टू टू और सिक्स आ गया है। लेट इसको बी के इक्वल ऐड कर लें, बी इज इक्वल टू थ्री वन फोर टू, फोर और इसको लेट कर लिया, लिख देते हैं फार्मूला, इसको सी कह लेते हैं, चले जरूरत नहीं है वैसे कहने की, ए बी इज इक्वल टू वन टू टू सिक्स। अब ए हमने फाइंड करना है, बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वन टू टू सिक्स इंटू बी इनवर्स। अब बी इनवर्स कैसे फाइंड करना उसका फार्मूला देख ले, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, तो लिखते हैं B इनवर्स, B का एडजॉइंट देखें टू थ्री, पहले और चौथे मेंबर की जगह चेंज कर देनी है, फर्स्ट और फोर्थ मेंबर रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी के साइन चेंज कर दें, माइनस वन और माइनस फोर आ गया, ओवर डिटरमिनेंट थ्री वन फोर और टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर एडजॉइंट उसी तरह टू माइनस वन माइनस फोर और थ्री ओवर, सॉल्व कर दे थ्री टू द सिक्स माइनस फोर वन द फोर, सिक्स माइनस फोर टू आ गया, बी का डिटरमिनेंट क्या निकला ए डी माइनस बी सी, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें सिक्स और वन फोर द फोर सिक्स माइनस फोर टू आ गया। अब ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, A इज इक्वल टू वन टू टू सिक्स इंटू बी का इनवर्स क्या आया है लिख देते हैं, टू माइनस वन माइनस फोर और थ्री डिवाइडेड बाय टू,
आप इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ए आ जाएगा। ए इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, वन टू वन द टू माइनस एट, टू माइनस एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, वन मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से माइनस वन और टू थ्री द सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स, उसके बाद सेकंड रो टू मल्टीप्लाई होगा टू के साथ, टू टू द फोर और माइनस सिक्स फोर द ट्वेंटी फोर, फोर माइनस ट्वेंटी फोर, सेकंड रो सेकंड कॉलम टू माइनस वन से माइनस टू और प्लस सिक्स थ्री द एटीन, माइनस टू और प्लस एटीन, माइनस टू प्लस एटीन डिवाइडेड बाय टू, यहां से ए इज इक्वल टू एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और टू पे डिवाइड कर देते हैं, प्लस के टू माइनस माइनस के सिक्स डिवाइडेड बाय टू, उसके बाद माइनस का वन प्लस के सिक्स प्लस के फाइव डिवाइडेड बाय टू, फोर माइनस ट्वेंटी फोर है माइनस के ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू आ गया, माइनस के टू है प्लस के एटीन है प्लस के सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू। अब ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये कैंसल नहीं होगा, फाइव बाय टू ही आ गया, ये कैंसल हो गया, माइनस के टेन आ गया और ये भी कैंसल हो गया, एट आ गया, तो हमारे पास ए की वैल्यू माइनस थ्री फाइव बाय टू माइनस टेन और एट आ गई है, यही हमारा आंसर है। फिर देख ले, ये रिलेशन गिवन था, उसने कहा फाइंड ए, ये मैट्रिक्स माइनस वन टू थ्री वन, इसको दूसरी तरफ ले गया, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ऐड कर दिया, टू और माइनस वन वन आ गया, जीरो प्लस टू टू आ गया, माइनस वन प्लस थ्री टू आ गया, फाइव प्लस वन सिक्स आ गया, इधर है ए इंटू थ्री वन फोर टू, इसको बी के इक्वल ऐड कर लिया, ए की तो वैल्यू फाइंड करनी है इसी, फिर बी क्या है बन गया ए बी इज इक्वल टू वन टू टू सिक्स लिख दिया, बी इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होगा ऊपर जाएगा तो बी का इनवर्स, बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो फार्मूला बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट लिखा डिटर्मिनेंट लिखा एडजॉइंट, उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड किया थ्री टू द सिक्स माइनस फोर टू आ गया, ए उसी तरह वन टू टू सिक्स ये भी उसी तरह और बी इनवर्स ये वैल्यू पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद टू माइनस एट माइनस वन प्लस सिक्स फोर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस टू प्लस एटीन, सब्ट्रैक्ट और ऐड किया और फिर टू पे डिवाइड कर दिया, उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री फाइव बाय टू माइनस टेन और एट आ गई है। यही क्वेश्चन थे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।